चलो स्टार्ट करने का आ गए सब लोग। अवंती अभी लेक्चर्स दिख रहे क्या? अच्छा नेट का स्पीड मिल रहा है क्या? अभी कैसा हो रहा है? ठीक है अच्छा। हाँ चलो देखो क्या है। चल देखो वो क्या है। हाँ डब्बा है, डब्बे के अंदर गैस बंद है, फिक्स गैस है। इधर प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए एक लगाया, प्रेशर गॉज लगाया। एज पर द आइडियल गैस इक्वेशन प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो मतलब लीनियर रिलेशन है। इसका मतलब क्या है? लीनियर रिलेशन है जो भी है। तो क्या करने का? 0 डिग्री सेल्सियस। ये प्रेशर मेजर करता है या टेम्परेचर मेजर नहीं करता? ये प्रेशर मेजर करता है, लेकिन इसको टेम्परेचर इंडिकेटर में अभी मैं कन्वर्ट करता हूं। ये प्रेशर इंडिकेटर है एक्चुअली, लेकिन मैं अभी देखो कैसे इसको टेम्परेचर इंडिकेटर में कन्वर्ट करता हूं। तो इधर नीडल है, अंदर इसके अंदर नीडल है, नीडल काटा काटा है। तो इसका टेम्परेचर मैंने, समझो पूरा सिस्टम का टेम्परेचर मैंने 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया। ये जो पूरा सिस्टम है इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया। तो व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस प्रेशर आल्सो डिक्रीजेस। तो प्रेशर डिक्रीज हो गया इसलिए नीडल इधर तक आ गया, प्रेशर डिक्रीज हो गया इसलिए नीडल काटा इधर तक आ गया। अच्छा है ठीक है। तो इधर मैं मार्क करके रखता हूँ, ये है मेरा लोअर फिक्स पॉइंट। ये क्या है? मेरा लोअर फिक्स पॉइंट ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे नीडल इधर आता है। फिर इसका टेम्परेचर मैंने किया 100 डिग्री सेल्सियस। तो एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीजेस, हेंस प्रेशर आल्सो इंक्रीजेस। तो काटा अब इधर रहता है, प्रेशर इंडिकेट करता है तो काटा अब इधर नहीं रहता, अब इंडिकेटर इधर जाता है। तो इधर मैंने मार्क किया 100 डिग्री सेल्सियस। 100 को इधर आता है तो ये 100 है, 0 को इधर आता है तो 0 है। एंड 0 एंड 100 के बीच में 100 डिविजन्स करने का, 0 एंड 100 के बीच में 100 डिविजन्स करने का। तो मैं 10 डिविजन करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 ठीक है। तो मैंने 10 डिविजन किया, मैंने 10 डिविजन किया, समझो काटा इधर आया। अब कुछ तो रैंडम टेम्परेचर है मुझे पता नहीं है, कुछ तो एक रैंडम टेम्परेचर पे ये सिस्टम है अभी मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन इतना पता है 0 पे इधर आता है नीडल, 100 पे निडल उधर जाता है। तो अब इधर निडल है तो टेम्परेचर मुझे पता नहीं, तो मैंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है, इक्वल डिविजन्स किया है। तो ये 10 डिग्री है, ये 20 डिग्री है, 30। अब इधर निडल आ गया है तो 30 डिग्री है टेम्परेचर, निडल इधर आ गया तो इधर का टेम्परेचर, इधर आ गया तो इधर का टेम्परेचर, समझो ना। इधर आ गया तो 100 डिग्री। तो 100 एंड 0 के बीच में इक्वल डिविजन करने का। एंड ये प्रेशर ही मेजर कर रहा है, एक्चुअली ये प्रेशर मेजर कर रहा है, लेकिन बाय मेजरिंग प्रेशर, बाय मेजरिंग प्रेशर वी आर मेजरिंग टेम्परेचर, समझ रहे ना। तो ये प्रेशर गॉज है और इसके ऊपर ही मैंने टेम्परेचर लिख दिया है। तो ये क्या हो गया? तो ये क्या हो गया? एक्चुअली प्रेशर मेजर करता है, लेकिन प्रेशर प्रेशर के थ्रू मैं क्या मेजर कर रहा हूँ? टेम्परेचर मेजर कर रहा हूँ। तो दिस इज कॉल्ड गैस थर्मोमीटर, दिस इज कॉल्ड गैस थर्मोमीटर। ये ऊपर वाला लिक्विड थर्मोमीटर था, लिक्विड था उसमें, इसमें गैस है। दिस इज गैस थर्मोमीटर, प्रेशर मेजर करने का एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये समझा गया? जरा एक बार बोलो कमेंट करके, ये वाला समझा गया? चलो ये वाला समझा गया। इसके ऊपर इमीडिएटली एक न्यूमेरिकल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। न्यूमेरिकल इसके ऊपर कैसा आता है? ठीक है क्लियर, एकदम मस्त इंटरेस्टिंग सब रहता है, एकदम इंटरेस्टिंग रहता है। चलो ठीक है, चलो अब इमीडिएटली इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो न्यूमेरिकल कैसा था देखो, एट 0 डिग्री सेल्सियस, एट 0 डिग्री सेल्सियस प्रेशर इंडिकेटर शो। अब ये प्रेशर ही दिखा रहा है। अब न्यूमेरिकल कैसा किया है देखो, न्यूमेरिकल कैसा बोला है देखो। एट 0 डिग्री सेल्सियस दिस इंडिकेट्स 30 मिलीमीटर प्रेशर, 30 मिलीमीटर ऑफ एसजी रहेगा, जो भी रहेगा 30 मिलीमीटर ऑफ एचजी प्रेशर। तो 0 डिग्री है तो प्रेशर कितना दिखाता है? 30 दिखाता है। अब इस पे प्रेशर ही है, इंडिकेटर पे क्या है? प्रेशर ही है। तो
टेम्परेचर मैंने कैसा टेम्परेचर उस पर लिख के सब एकदम इजी कर दिया था, उस पे मैंने टेम्परेचर लिख के एकदम इजी कर दिया था, तो नीडल को देख के डायरेक्ट टेम्परेचर ही पता लगता था। अब इधर ये थोड़ा अलग है, थोड़ा डिफिकल्ट थर्मामीटर बनाया है किसने, तो इसके ऊपर जो प्रेशर का इंडिकेटर था उसने चेंज नहीं किया, ये जो प्रेशर का ऐसा मार्किंग था उसने वो प्रेशर का मार्किंग चेंज करके टेम्परेचर का मार्किंग नहीं डाला, उसने प्रेशर का ही मार्किंग जैसा था वैसा रखा है। तो 0 डिग्री पे लेके गया तो नीडल कितना दिखा रहा है प्रेशर इधर, 30 मिलीमीटर ऑफ एच डी दिखा रहा है। 0 डिग्री पे लेके गया तो इंडिकेटर कितना दिखा रहा है, 30 मिलीमीटर ऑफ एच डी दिखा रहा है, अच्छा है। 100 डिग्री पे मैंने लेके गया इसको, इफ आई टेक इट तो 100 डिग्री सेल्सियस इट शोज 70 मिलीमीटर ऑफ एच डी। अब क्या है, अब दिस इज शोइंग 40 मिलीमीटर ऑफ एच डी, तो ये मतलब कितना डिग्री सेल्सियस है, तो ये फाइंड आउट करना है, समझ रहा है। 0 पे इतना प्रेशर दिखाता है, 100 पे इतना प्रेशर दिखाता है, तो 40 मिलीमीटर एच जी प्रेशर है तो टेम्परेचर कितना है, तो टेम्परेचर कितना है डिग्री में, ठीक है। तो कैसे करना है देखो, वही अपना जो पुराना फॉर्मूला था वही वापस यूज करना है। तो डिग्री में पहले प्रेशर में यूज करता, प्रेशर में कितना रीडिंग है आपका राइट नाउ, प्रेशर में क्या यूनिट क्या रीडिंग है 40, तो ये अलग यूनिट है ऐसा पकड़ो, टेम्परेचर का ही ये अलग यूनिट है, प्रेशर है एक्चुअली लेकिन टेम्परेचर का ही एक अलग यूनिट है ऐसा पकड़ो इसको। तो अब रीडिंग कितना है 40 है, उस रीडिंग में लोअर फिक्स पॉइंट कितना है, उस रीडिंग में लोअर फिक्स पॉइंट मतलब 0 के करस्पॉन्डिंग क्या है 30, तो ये लोअर फिक्स पॉइंट है, आपका रीडिंग मेरा 40 है, तो लोअर फिक्स पॉइंट कितना है उस रीडिंग में 30, उस रीडिंग में अपर कितना है 70 माइनस लोअर कितना है 30 इज इक्वल नाउ 40 आई हैव टू कन्वर्ट इनटू डिग्री, डिग्री में ये कितना है दैट आई हैव टू फाइंड आउट, डिग्री में 40 मिलीमीटर ऑफ एच प्रेशर मतलब डिग्री में कितना है दैट आई हैव टू फाइंड आउट, सो दिस इज द रीडिंग, डिग्री में छोटा है डिग्री में बड़ा है 100, डिग्री में छोटा है 0, सॉल्व करने का आ गया आंसर, इसको सॉल्व करने का तो आंसर आ गया, तो कितना आता है ये, तो ये ऊपर आता है 10, नीचे आता है 40, इधर आता है टी डिवाइडेड बाय 100, 0 0 गया, 100 ऊपर आता है तो टी कितना आता है 25, हंड्रेड डिवाइडेड बाय 4 टी कितना आता है 25 डिग्री, तो 40 मिलीमीटर ऑफ एच जी मतलब कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ओके। चलो तो लिख के ले लो, ऐसा न्यूमेरिकल आता है, 0 डिग्री पे इतना प्रेशर था, 100 पे इतना प्रेशर था, अब इतना प्रेशर है तो कितना टेम्परेचर है, चलो समझा क्या, बोलो फटाफट स्क्रीनशॉट मारो, समझा क्या बोलो, स्क्रीनशॉट मारो, समझा क्या बोलो जरा फटाफट, चलो बोलो बोलो स्क्रीनशॉट भी मारो, समझा क्या बोलो, ठीक है इजी है कुछ नहीं, एक ही फॉर्मूला है पूरा चैप्टर, एक ही फॉर्मूला है पूरा ये सेक्शन, एक फॉर्मूला है बस, ठीक है ठीक है। चलो नेक्स्ट जाएंगे फिर, चलो नेक्स्ट देखेंगे, लेकिन अब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बोल रहा हूं, न्यूमेरिकल तो ऐसा दिया है, न्यूमेरिकल ऐसा दिया है, लेकिन रियल लाइफ में अगर ऐसा थर्मोमीटर तुम लोग देखोगे, न्यूमेरिकल तो ऐसा दिया है लेकिन रियल लाइफ में ऐसा देखोगे तो इस पे प्रेशर इंडिकेटर रहता ही नहीं है, प्रेशर के जगह पे टेम्परेचर से ही रिप्लेस करते, तो डायरेक्ट ही दिखता है, जैसे मैंने बोला था वैसा ही उसको कन्वर्ट करके रखते हैं, इस पे प्रेशर इंडिकेटर मिटाते हैं और उस पे मार्किंग टेम्परेचर में ही लगाते हैं, तो ये ऐसा कन्वर्जन का झंझट नहीं रहता रियल लाइफ में, उधर निडल किधर है देख के टेम्परेचर पता चलता है, ये जस्ट एग्जाम्पल में ऐसा क्वेश्चन आता है, लेकिन रियल लाइफ में इधर प्रेशर दिखाता है फिर प्रेशर को कन्वर्ट करने का, ऐसा इतना लफड़ा वाला थर्मामीटर डिजाइन नहीं करते, डायरेक्ट उस पे ही टेम्परेचर मार्किंग करते हैं, तो निडल किधर है वो देख के टेम्परेचर डायरेक्ट पता चलता है, ऐसा नहीं करते, ओके चलो। तो नेक्स्ट वाला है और एक है गैस थर्मामीटर,
और एक गैस थर्मामीटर है, ठीक है। तो देखो उधर क्या है, ये भी गैस थर्मामीटर था, ये भी गैस थर्मामीटर। वॉल्यूम ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो प्रेशर कांस्टेंट रखने का, प्रेशर कांस्टेंट रखने का, वॉल्यूम मेजर करने का, एंड बाय मेजरिंग वॉल्यूम वी कैन मेजर टेम्परेचर। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलता है, ये सब कांस्टेंट रखने का, प्रेशर कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर मेजर करके वी कैन मेजर वॉल्यूम। कैसा रहता है इसका डिजाइन, तो ऐसा है, डब्बा वापस से है, डब्बा वापस है, ठीक है। और डब्बे में ऊपर वैक्यूम है और यहाँ पे एक पिस्टन है, डब्बे में ऊपर क्या है, वैक्यूम है। अब डिजाइन अलग अलग हो सकता है, मैं उसमें से एक डिजाइन बोल रहा हूं, और भी डिफरेंट टाइप्स का डिजाइन हो सकता है। अब ऊपर वैक्यूम है और अंदर है पिस्टन है, वेट है, इसको कुछ तो वेट है, गैस के ऊपर रखा है और इसके नीचे गैस को रखा है। अब गैस लीक होके ऊपर नहीं जाता, वो वैसा एडजस्ट किया है, और इसके अंदर गैस, तो गैस के ऊपर प्रेशर कितना है, इसका जितना भी वेट है उतना ही इसके ऊपर है, तो इसका वेट जितना है उसके हिसाब से प्रेशर रहेगा, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इज प्रेशर। तो इसके वेट के वजह से इस पे प्रेशर रहेगा, ये ऊपर जाने दो नीचे आने दो, जो प्रेशर इस पे है बिकॉज ऑफ ये वेट है तो सेम है, तो प्रेशर क्या कहा है हमने, सेम, ये नीचे आएगा ऊपर जाएगा कुछ भी होने दो, इसका जो वेट है वो फिक्स रहेगा ऊपर नीचे जाने के बाद भी, ऊपर वैक्यूम है तो वो कुछ प्रेशर नहीं डाल रहा, तो इसका जो वेट है इस पे है, तो इस पे जो प्रेशर है वो सेम है, तो प्रेशर सेम है। अब टेम्परेचर बढ़ गया तो वॉल्यूम एक्सपांड हो जाएगा, ऊपर जाएगा, टेम्परेचर कम हो गया तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो क्या है, ऊपर नीचे जाता है, तो ऊपर नीचे जाता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे पिस्टन किधर आता है देखने का, क्या करते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे पिस्टन समझो इधर आता है, मतलब इस पे ही मार्किंग करते हैं, थोड़ा मैं इधर लिख, 0 डिग्री सेल्सियस पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, पिस्टन इधर आता है, तो इधर लिखते हैं 0। 100 डिग्री पे लेके जाने का समझो पिस्टन इधर आता है, तो इधर लिखेंगे 100, और 100 एंड 0 के बीच में इक्वल मार्किंग, 100 मार्किंग्स करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो अब टेम्परेचर कितना है, अब पिस्टन 7 के पास में है, ऊपर का पिस्टन का जो लाइन है वहां पे मार्किंग्स किया है, तो अब पिस्टन किधर है, 7 पे है, तो अब 70 डिग्री है, पिस्टन इधर आ गया 3 पे, तो 30 डिग्री रहेगा, 80 डिग्री हो गया तो पिस्टन इधर जाएगा, 10 डिग्री हो गया तो पिस्टन नीचे आएगा, तो इधर डायरेक्टली टेम्परेचर का ही मार्किंग रहता है, इधर डायरेक्टली क्या रहता है, टेम्परेचर का ही मार्किंग रहता है, ठीक है। लेकिन एग्जाम्पल में कैसा बोलते हैं, एग्जाम्पल में बोलते हैं कि इधर वॉल्यूम का मार्किंग, तो 10 cc, इधर 80 cc, और बीच में 20, 30, 40, 50 सब cc है, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल कैसा आता है देखो, इसमें एग्जाम्पल में क्या बोलते हैं, इस पे टेम्परेचर का मार्किंग किया ही नहीं, इस पे वॉल्यूम का मार्किंग किया है, तो एग्जाम्पल कैसे आता है अभी ये तुम लोग करो। तो व्हेन टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, व्हेन टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम इज 10 cc, टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम कितना दिखाता है, 10 cc दिखाता है। व्हेन टेम्परेचर बिकम्स 100 सेल्सियस, वॉल्यूम कितना दिखाता है, 80 cc। अब वॉल्यूम इज
70 सीसी, राइट नाउ वॉल्यूम इज 70 सीसी, तो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर कितना है? तो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर कितना है? जीरो पे 10 वॉल्यूम था, 100 पे एफसी है, 70 पे टेम्परेचर कितना है? चलो करो, बोलो कितना आंसर आता है, वही फॉर्मूला। बोलो दो आंसर सेम आए 85, बाकी लोग बोलो शायद करेक्ट होगा। 100 by 70 85, 86 तक आना चाहिए, देखो कितना। चलो सब लोग देखो 85 आ रहा है क्या, कैलकुलेट करके देखो, इधर बस देखते मत बैठो नहीं तो कुछ नहीं आएगा। कैलकुलेशन करना चालू करो तभी कुछ तो आएगा, कैलकुलेशन तुम खुद से करना चालू करो तभी आएगा। तुम लोग कैलकुलेशन नहीं करोगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। आजकल कैलकुलेशन लेट आ रहे हैं, अवधि तरह स्लो चल रहे थे, आजकल कैलकुलेशन एकदम स्लो कर रहे ऐसा लग रहा है, या फिर कर नहीं रही। सब लोग कैलकुलेशन करो, ऐसा बैठ के मत देखो, मेरे लिए नहीं चल रहा ये, तुम लोग एमबीबीएस को लगो इसलिए चल रहा है, है ना। तो थोड़ा अभी काम एकदम फुल सिंसियरली करो। हाँ नहीं आता तो ठीक है, नहीं आता है तो ट्राई करो ना, आता है तो ट्राई करो, कुछ भी नहीं समझ रहा तो ठीक है, समझ रहा है तो लेकिन ट्राई करो। ऐसा बैठ के काम नहीं होता, बैठ बैठ के इधर देख देख के मार्क्स नहीं बढ़ता, करना पड़ेगा। देखो कितना आ रहा है, फटाफट आंसर आना चाहिए, 86 85 के आसपास आना चाहिए, ठीक है। 86 करेक्ट है, 85.7 आ रहा है, शायद वो करेक्ट रहेगा। चलो आगे जाने का, गौरी एक भी आंसर नहीं आ रहा देख, पेन रफ वर्क हाथ में लेके बैठो, बस देखने का ऐसा, सब लोगों को बोल रहा हूँ बस ऐसा बैठने का, आराम से मोबाइल लेके हेडफोन डाल के ऐसा निवांत ऐसा सो सो के देखने का ऐसा मत करो, कुछ नहीं होगा। पेन ले हो, पेपर लो, जो बोल रहा हूँ मैं सॉल्व करने का सॉल्व करो, इंपॉर्टेंट अगर सेंटेंस है तो लिख के ले लो। हाँ सुपर सिंसियरली काम करने का तभी सक्सेस मिलता है, और तुमको लग रहा है कि फ्री में सक्सेस मिल सकता है, ट्राई करो, लाइफ बहुत लंबा है, 70, 80, 90 ईयर तक लाइफ है, ट्राई करके देखो 10 साल, कुछ नहीं मिला तो फिर काम करना चालू करो, काम करना ही पड़ता है, काम करना ही पड़ेगा। ओके फटाफट आंसर आना चाहिए, लोगों को अगर लग रहा है कि लाइफ इजीली कट जाएगा तो इजीली नहीं कट जाएगा, नॉट पॉसिबल, काम करना ही पड़ेगा। चलो हो गया, मेहनत करना सीखो, उसमें ही मजा लेना सीखो, लाइफ एकदम इजी है। अगर मेहनत में तकलीफ लग रहा है, हार्डवर्क में तकलीफ लग रहा है, फिर बहुत बोरिंग है लाइफ, कटना मुश्किल है, बहुत लंबा लाइफ है, 90 इयर्स का लाइफ है, कटना मुश्किल है लाइफ। ओके
हार्ड वर्किंग का आदत डालो, फटाफट कैलकुलेशंस करने का, आंसर बोलने का। लास्ट देखो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, लेंथ ऑफ लिक्विड इन थर्मोमीटर। देन ये लिक्विड थर्मोमीटर है, दीज आर गैस थर्मोमीटर्स, यहां पे प्रेशर चेक करते, यहां पे वॉल्यूम चेक करते। अब इसका मेन डिफरेंस देखो, इंपॉर्टेंट सेंटेंस बोल रहा हूं, याद रखो। इन लिक्विड थर्मोमीटर लिक्विड कैनॉट बी चेंज्ड, लिक्विड कैनॉट बी रिप्लेस्ड बाय अनदर लिक्विड। इन लिक्विड थर्मोमीटर लिक्विड कैनॉट बी रिप्लेस्ड बाय अनदर लिक्विड। तो मतलब समझो मर्क्यूरी का थर्मोमीटर बनाया है, तो मर्क्यूरी निकाल के उसमें अल्कोहल डालने का नहीं हो सकता। अल्कोहल का थर्मोमीटर है तो उसमें से अल्कोहल निकाल के मर्क्यूरी डालने का नहीं हो सकता। दोनों का कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन अलग अलग है, ये एक्सपांड अलग करेगा, वो एक्सपांड अलग करेगा, तो काम नहीं करता, काम नहीं करता। दोनों का एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट बहुत डिफरेंट डिफरेंट रहता है। बट इन गैस थर्मोमीटर, दोनों में भी, इन गैस थर्मोमीटर वन गैस कैन बी रिप्लेस बाय अनदर गैस। अब हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन का नहीं बनाते, एक्सप्लोजन हो जाएगा, ऐसे बोल रहा हूं। अगर हाइड्रोजन है उसके अंदर एंड हाइड्रोजन निकाल के हेलियम डाला, चलता है। हाइड्रोजन निकाला और हेलियम डाला तो चलता है, आइडियल गैस का बिहेवियर सेम रहता है। आइडियल गैस हाइड्रोजन है, आइडियल गैस हेलियम है, हाँ थोड़ा आइडियल नहीं है तो थोड़ा लफड़ा हो सकता है, लेकिन लिक्विड में जितना लफड़ा होता है उतना रियल लाइफ में इसमें लफड़ा नहीं होता गैस में। तो हेलियम का एक्सपांशन उसका नंबर ऑफ मोल्स, एंड हाइड्रोजन का एक्सपेंशन अगर उसका नंबर ऑफ मोल्स अगर हमने सेम डाला है तो सेम रहता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो गैस थर्मामीटर में हाइड्रोजन है, निकाल के हेलियम डाल सकते हैं, हेलियम है निकाल के अर्गॉन डाल सकते हैं, तो गैस रिप्लेसमेंट करना पॉसिबल है। इधर गैस इधर लिक्विड रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते, कुछ भी काम नहीं करेगा। इधर थोड़ा बहुत गलती हो सकता है दूसरा गैस डालने के बाद मामूली, क्योंकि रियल गैस में थोड़ा वांडर वाल फोर्स वगैरह रहता है, लेकिन कर सकते रिप्लेस, इधर रिप्लेसमेंट हो ही नहीं सकता, इधर बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा, इधर रिप्लेसमेंट होता है। फाइनल थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है, फाइनल थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है, W मतलब कौन है रे, W किसका ये है, W किसको लिखते, W का काम नहीं प्लेटिनम है, ए वायर को नहीं रे, W किसको लिखते हैं, W इसको लिखते हैं वुल्फ्राम, टंगस्टन को लिखते हैं शायद, टंगस्टन को लिखते हैं शायद, W पता नहीं मुझे क्या किसको लिखते हैं, W टंगस्टन पे लिखते हैं ना, वही बोल रहा हूं, W का कुछ काम नहीं है, ये प्लैटिनम का। तो रेजिस्टेंस ऑफ प्लैटिनम वायर, इससे भी वी कैन मेजर टेम्परेचर, रेजिस्टेंस ऑफ प्लैटिनम वायर, तो रेजिस्टेंस मेजर करके ऑल्सो वी कैन मेजर टेम्परेचर। तो एक रेजिस्टेंस लेने का, एक रेजिस्टेंस लेने का, तो वो डिपेंड कैसे करता है, ऐसे टेम्परेचर जैसे चेंज होता है रेजिस्टेंस चेंज होता है, जैसे टेम्परेचर चेंज होता है वैसे रेजिस्टेंस चेंज होता है। तो रेजिस्टेंस कितना है उसके हिसाब से, टेम्परेचर कितना है उसके हिसाब से रेजिस्टेंस चेंज होता है। तो रेजिस्टेंस चेक करके वी कैन मेजर टेम्परेचर, तो रेजिस्टेंस चेक करके We can measure temperature. अभी जो डॉक्टर के पास नया थर्मामीटर रहता था, अब वो भी गया, अब वो गन वाला आ गया, गन के पहले जो रहता था, गन को बोलते हैं पायरोमीटर, गन को क्या बोलते हैं पायरोमीटर। अब पायरोमीटर से जो पहले आता था, पायरोमीटर के पहले आता था, अभी मेरे पास इधर है लेकिन अब जाना पड़ेगा उधर, ऐसा ऐसा टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड का आता है मेडिकल पे, तुम लोग भी चाहिए तो ले सकते हो एकदम।
काम का चीजें है, तो थर्मामीटर है, टेम्परेचर कितना है पता चलता है ना, 100 के नीचे है तो घर में तो रिकवर हो सकता है, 100 के ऊपर है तो जाना पड़ेगा, तो थर्मामीटर है, मतलब कोविड के सिचुएशन में, बिफोर कोविड नहीं बोल रहा हूँ, अभी एकदम टेम्परेचर बढ़ गया है इमिडिएटली तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तो कोविड हो सकता है शायद, तो इसमें थर्मामीटर अभी पास में रहना इंपॉर्टेंट है, थर्मामीटर एंड ऑक्सीमीटर। अगर घर पे 50 ईयर ओल्ड कोई है, 50 ईयर से कोई बूढ़ा है, उसको शुगर है, बीपी है, या फिर किसी को भी शुगर है बीपी है, तो क्या है थर्मामीटर एंड ऑक्सीमीटर घर पे रहना अभी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा भी प्रॉब्लम लगा, थोड़ा सा भी क्या लगा, अभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ तुम लोगों को इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, सुनो, काम का है लाइफ सेविंग इंफॉर्मेशन है। क्या है, किसको अभी टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा लगा 100 से ऊपर, टेम्परेचर अगर थोड़ा ऊपर लग रहा है 100 से ऊपर, और क्या लग रहा है, लॉस ऑफ ब्रीथ लग रहा है, मतलब क्या होता है दमा दमा लग रहा है, थोड़ा सा भी वॉकिंग किया तो बहुत हेवी ब्रीदिंग हो रहा है, ऐसा हेवी ब्रीदिंग हो रहा है, थोड़ा सा भी काम किया तो हेवी ब्रीदिंग हो रहा है, तो क्या करने का, ऑक्सीजन चेक करने का, हर्ट लेवल पे ऑक्सीमीटर रख के थर्मामीटर चेक करने का, या फिर डॉक्टर के पास लेके जाने का, उधर भी रहता है ऑक्सीमीटर, उधर भी घर पे नहीं रहा तो भी चलता है, और डॉक्टर के पास चेक करने का, तो शायद कोविड हो सकता है, सीरियस कोविड हो सकता है, टेम्परेचर है, दूसरा क्या है इंडिकेशन, हेवी ब्रीदिंग हो रहा है, थोड़ा भी काम किया तो ब्रीदिंग क्या बनता है, हेवी बनता है, तो लोग निग्लेक्ट कर रहे हैं। मेरे एकदम फ्रेंड का फादर था एक, एंड एक कौन था, अंट का हस्बैंड था, मौसी का नवरा, अंट का हस्बैंड था, दोनों केसेस में निग्लिजेंस हो गया, एक केस में डेथ हो गई है, फ्रेंड का फादर की डेथ हो गई, कोविड था, बस लेट हो गया है डॉक्टर के पास जाने में के लिए, लेट हो गया 7-8 days का, और अंट के हस्बैंड को 2-3 lakhs का एक्सपेंसेस हो गया, वो ऑक्सीजन पे था, तो इंपॉर्टेंट है, हेवी ब्रीदिंग लग रहा है किसी का भी घर पे, हेवी ब्रीदिंग लग रहा है, ओल्ड एज है, तो इमीडिएटली क्या करने का, ऑक्सीजन चेक करने का डॉक्टर के पास जाके। चलो तो हो गया, तो अपना ये थर्मामीटर चल रहा है, थर्मामीटर चल रहा है। तो थर्मामीटर कैसा है यहाँ पे, By measuring resistance, we are measuring temperature. तो इसके अंदर सब अरेंजमेंट रहता है, अब मेरे हैंड का टेम्परेचर मुझे मेजर करना है, तो हैंड से इधर मेटल का एक नॉब रहता है, इधर मैंने पकड़ा, तो हैंड का जो टेम्परेचर है उसका हो जाएगा, उसका जितना टेम्परेचर हो जाएगा उसके हिसाब से उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। अंदर मैकेनिज्म है रेजिस्टेंस चेक करने का, उसने रेजिस्टेंस चेक किया और रेजिस्टेंस के हिसाब से यहाँ पे टेम्परेचर इंडिकेट किया, तो टेम्परेचर पता चलता है, तो इसका भी एक कन्वर्जन का काम करो, ठीक है। चलो तो क्या है, समझो, 0 degree Celsius पे चेक किया रेजिस्टेंस तो वो आ रहा है 10 ohm, 100 degree Celsius पे रेजिस्टेंस चेक किया तो वो आ रहा है 30 ohm, 0 degree Celsius पे रेजिस्टेंस किया तो 10 ohm आ रहा है, 100 degree Celsius पे किया रेजिस्टेंस चेक तो 30 आ रहा है, राइट नाउ रेजिस्टेंस इज 25 ohm, तो टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस है, राइट नाउ रेजिस्टेंस इज 25 ohm, तो टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस है,
कितना आ रहा है? वेरी गुड, ऐसा आना चाहिए। देखो आंसर फटाफट आंसर आना चाहिए, वेरी गुड, ऐसा आंसर आना चाहिए, एकदम फुल प्रॉम्प्ट रहना चाहिए, बोला तो इमीडिएट आंसर आना चाहिए, वेरी गुड। ऐसा तुम लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, तभी मजा आता है अंडरस्टैंड करने में भी, पढ़ाई करने में भी, तभी मजा आता है। हाँ, मुझे भी एक पढ़ाने में तभी मजा आता है जब तुम लोग ऐसा आंसर इमीडिएटली भेजोगे। वेरी गुड, एकदम मस्त है। कितना आ रहा है? 75। कितना आ रहा है? 75। ठीक है, तो कैसा करना है? ऐसा करना है, रीडिंग। अब रीडिंग कितना है? अब रीडिंग कितना है? 25। ओहम्स में, ओहम में रीडिंग कितना है? 25। ओहम में मिनिमम कितना रीडिंग है? अब रीडिंग 25। ओहम में मिनिमम रीडिंग कितना है? ओहम में 10 है, जीरो के करस्पॉन्डिंग रहता है वो मिनिमम, तो ओहम में 10 है। ओहम में मैक्सिमम है 30, ओहम में मिनिमम है 10, इज इक्वल 25 के करस्पॉन्डिंग डिग्री में टेम्परेचर कितना है पता नहीं, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। 25 के करस्पॉन्डिंग कितना है वही तो निकालना है। तो रीडिंग इन डिग्री सेल्सियस माइनस लोअर पॉइंट इन डिग्री, अपर पॉइंट इन डिग्री माइनस लोअर पॉइंट इन डिग्री, ठीक है, सॉल्व करने का आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है? 75 आ रहा है। अच्छा, वेरी गुड, ऐसा आंसर बताओ तो फिर मुझे भी फ्रेश लगता है, अच्छा लगता है। ओके, तो ये हो गया थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, ऐसा ही न्यूमेरिकल आता है इसपे, ये हो गया थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी और ऐसा ही न्यूमेरिकल आता है इसपे। देन लिक्विड इन ग्लास हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो जितना इसमें सिलेबस था, ये थर्मोमेट्री पार्ट में जितना भी थ्योरी था, जितना भी न्यूमेरिकल था हुआ है, और एक दो न्यूमेरिकल देखेंगे एररलेस में, और एक दो न्यूमेरिकल देखेंगे, और फिर क्या चालू करेंगे नेक्स्ट पार्ट, थर्मल एक्सपांशन। थर्मल एक्सपांशन भी एकदम इजी है, थर्मोमीटर एकदम फालतू इजी है, थर्मल एक्सपांशन भी एकदम इजी है, ठीक है, ओके। तो ब्रेक के बाद मिलेंगे, 7 मिनट्स का ब्रेक, ब्रेक के बाद चालू करेंगे, ठीक है, ओके, चलो ब्रेक के बाद आ जाओ।